ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन पृथा पुत्र अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछे, जो अग्रहण महीना में जो एकादशी आ रहे हैं वो एकादशी का क्या नाम है, और ये एकादशी क्यों देवता लोग का बहुत पूजा करते हैं, और ये एकादशी क्यों देवता का बहुत प्रिय है, इसका बारे में आपको सविस्तर में हमको वर्णन कीजिए। तो पृथा पुत्र अर्जुन को अर्जुन का ये प्रश्न सुनकर जनार्दन भगवान कृष्ण बताया, देखो ये अग्रहण महीना में जो एकादशी आ रहे हैं ये एकादशी का महात्मा श्रवण करने से पहले इसका एक कहानियाँ है। ये कहानियाँ इस प्रकार है, सत्ययुग में मूर नाम से एक बहुत पराक्रमशाली कोपन स्वभाव का एक असुर थे, और ये सत्ययुग का कहानी का कहानियाँ हैं। तो ये असुर जो है वो देवता लोग को स्वर्गराज्य से उनको भगा दिए, स्वर्गराज्य से भगाने के बाद वो अपना यहाँ से समस्त जो अपना जो एसोसिएट्स है उनको सब किसी को दिक्पाल बना दिए, किसी को ऐसा सब पोस्ट देकर वो वहाँ पे विराज करने लगे स्वर्गराज में। तो देवता लोग महादेव के शरणापन्न हुए, कैलाश में पहुँच के महादेव को संतुष्ट किए, उनको प्रणाम किए और उनको बताया अपना जो दुख भरी कहानी महादेव को बताया। तो महादेव ने बताया, देखो आप लोग जो क्षीर समुद्र का पास चला जाओ, वहाँ भगवान विष्णु शयन में हैं, तो उनको पुरुषोक्त मंत्र से तुम संतुष्ट करो। तो भगवान विष्णु गरुड़ध्वज, वो जो भगवान विष्णु है आप लोगों का जो मुश्किल आसान कर देंगे। तो समस्त देवता लोग इंद्र लोग सब जो क्षीर समुद्र के पास आए, वहाँ आने के बाद पुरुषोक्त मंत्र से भगवान विष्णु को संतुष्ट किए। तो भगवान विष्णु तो बताया, वो असुर कौन है, क्या उसके बारे में कुछ हमको बताइए। तो देवता लोग इंद्र स्पेशली बताया, जो ये असुर वो सत्ययुग में ये तालजंगा नाम कर एक बहुत पराक्रमशाली एक असुर थे, और उनका पुत्र जो है वो मूर है। ये मूर दानव जो है बहुत कोपन स्वभाव का है और बहुत शक्तिशाली है। तो हम लोग अभी निराश्रय होकर स्वर्गराज्य से हमारा राज्य नहीं है, अभी हमारा ये पृथ्वी लोक में हम भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग अभी आप हम लोग को कृपा कीजिए और हमारा ये मूर दैत्य का प्रभाव से हमको मुक्त कीजिए। तो भगवान विष्णु ने बताया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग चला जाओ। तो भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर वो चंद्रावती जो जहाँ पर मूर दैत्य रहते थे वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पर बहुत भयंकर युद्ध हुआ, युद्ध में देवता लोग भी वहाँ से पराजित हो गया, यहाँ पर भाग गए हैं। और तो भगवान विष्णु वो सुदर्शन चक्र को प्रयोग किए, सब दैत्य को बध कर दिए। बध करने के बाद तो लेकिन मूर दैत्य जो है वो सुदर्शन चक्र से वो बध नहीं हुए। तो तब क्या हुआ, दोनों भगवान विष्णु और मूर दानव का अंदर में मतलब बीच में वो दोनों में वो ऐसा ही युद्ध हुआ। कोई अस्त्र शस्त्र बिना अस्त्र शस्त्र बाहुबल में उन लोगों का युद्ध शुरुआत हो गए हैं। लेकिन 1000 साल देवता का समय का अनुसार 1000 साल तक युद्ध चला, लेकिन कोई भी भगवान विष्णु उसको पराजित नहीं कर पाया। तो भगवान विष्णु तब थोड़ा चिंतन करके बद्रिकाश्रम में एक सिंहावती एक गुफा है, वो गुफा पर आके वहाँ पे विश्राम लेने लगे। वहाँ पे पुरुष हो गए और वह निद्रालु हो गए। तो उसके बाद वो तो जो मूर दानव वो उसको भगवान को फॉलो करते करते वहाँ पे पहुँच गए, वो सिंहावती गुफा पर जो बद्रिकाश्रम में है। और वहाँ पे देखे जो वो भगवान विष्णु टायर्ड होके वहाँ पे सो रहे हैं, तो उनको
उनको हत्या करने के लिए जैसे मतलब प्रिपेयर हुए तो वो भगवान विष्णु का शरीर का अंदर से महासौभाग्यशालिनी और अस्त्र शस्त्र धारिणी विष्णु तेज संभूता एक महादेवी का आविर्भूत हो गए हैं। और वो आविर्भूत होने के बाद दोनों का बीच में युद्ध हुआ और देवी का तेज से वो मूर्त जो दैत्य है वो पूरा भस्मीभूत हो गए हैं। भस्मीभूत हो जाने के बाद तो भगवान विष्णु का जो निद्रा टूटे तो देखा एक एक देवी कन्या सौभाग्यशालिनी जो बहुत सुंदरी युवती वहाँ पे बैठे हैं। तो भगवान विष्णु ने पूछा ये मूर दानव को किसने वध की है, तो बताया हे प्रभु जी हाथ जोड़ करके बताया जे हम आपका शरीर से उत्पन्न हुआ पराशक्ति अपना शरीर से उत्पन्न होने का बावजूद हमारा सौभाग्य हुआ आपको आपका कृपा से ये असुर को वध करने के लिए हम सफल हुए। तो हमको आप कृपा कीजिए, हमको वरदान कीजिए, हमको आशीर्वाद कीजिए। तो बोलते हैं ठीक है हमारा शरीर संभूता पराशक्ति से उत्पन्न हुए इसलिए आपका नाम है उत्पन्न एकादशी। और आपका जो एकादशी जो पालन करेंगे और हमारा पूजन करेंगे इसी दिन में अग्रहण महीना में तो क्या होगा ना उसका जो जितना भी विघ्न है सब विघ्न शत्रु नाश हो जाएगा और सब जो सौभाग्य वो प्राप्त कर सकते हैं जो एकादशी पालन करेंगे। तो इसके लिए ये अग्रहण महीने में जो एकादशी है ये उत्पन्न एकादशी ये शत्रु को जो नाश करने वाले हैं जीवन में सब सौभाग्य आने वाले ला देते हैं ये एकादशी अगर कोई पालन करेंगे। तो एकादशी जो अभी आ रहा है ये एकादशी 1 दिसंबर बुधवार को एकादशी आ रहे हैं और ये एकादशी उत्पन्न एकादशी और नेक्स्ट डे थर्सडे बृहस्पतिवार ये एकादशी का पारण किया जाता है। वो पारण का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ये टाइम है 4:46 से और 9:27 का अंदर में पारण करना पड़ता है। पारण करने के लिए आपको भगवान का कुछ प्रसाद आपको ग्रेन जो है जो शस्य आपको पारण भगवान प्रसाद आपको सेवा करने के बाद आपको पारण संपन्न होता है एकादशी संपन्न होता है। तो इसके लिए आइए ये जो उत्पन्न एकादशी पालन करके आपका जीवन में जितना भी आपका जो शत्रु है और उसको और नेगेटिव एनर्जी है उससे आप छुटकारा मिलने के लिए उत्पन्न एकादशी आप पालन कीजिए। अपना ये उत्पन्न एकादशी पालन करने से आप भगवान का सेवा लाभ मतलब लाभ होगा और भगवान का धाम गोलोक धाम में प्राप्त होने का सौभाग्य आपका अर्जन करेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू।